सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और यहां पर अतिथि शिक्षक संघ ने सांसद को सौंपा है ज्ञापन। बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, हरिभूमि न्यूज नरसिंहपुर से अपडेट आ रहा है। अतिथि शिक्षक संघ ने सांसद राव उदय प्रताप सिंह को यह ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि शासकीय अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय दिया जा रहा है वह काफी कम है और मानदेय के अलावा विभागीय परीक्षा के पद पर भर्ती गुरुजी की तरह नियमितीकरण से संबंधित विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया है, जिसमें श्री सिंह को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि हम सभी शासकीय अतिथि शिक्षक लंबे समय से एक निश्चित मानदेय पर ही सेवाएं दे रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, उस हिसाब से हम सभी को मानदेय नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा ज्ञापन में यह भी कहा गया कि महीने में जिस दिन की छुट्टी होती है उसका वेतन भी काटकर दिया जाता है, जिसके हिसाब से महीने में 4 सप्ताह हो प्रत्येक माह में होते हैं। इसके अलावा हर माह किसी न किसी त्योहार को छुट्टी पड़ने से वेतन का मानदेय भी कम हो जाता है। साथ ही कई अतिथि तो ऐसे भी हैं जो रोजाना गांव-गांव कहीं बस तो कहीं अपने साधनों से सेवाएं देने नियमित पहुंचते हैं, जिससे उनका आधा मानदेय तो किराए में ही चला जाता है। फिर उसमें भी यदि कोई किराए के मकान लेता है तो पूरी सेवाएं फ्री के सामान हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रमुख समस्याओं से जिले के शासकीय अतिथि शिक्षक संघ की तरफ से अतिथि शिक्षकों ने क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह को समक्ष रखी, जिस पर सांसद द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही हमारे द्वारा मांगों का निराकरण कर उचित मानदेय और अन्य मांगों का निराकरण किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय सदानंद साहू, राजेंद्र ठाकुर, लक्ष्मण मेहरा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं, आज एक भाई मेरी वीडियो पर कमेंट करके बता रहे थे, सर आप अतिथि शिक्षकों को पागल बना रहे हो, अतिथि शिक्षकों को गुमराह कर रहे हो। भाई मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो मोटिवेशन देता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो खूब देखिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों जो अच्छी जानकारी आपको देता हो उसको देखिएगा, लेकिन कमेंट्स आप अच्छी कीजिएगा, अतिथि शिक्षक विरोधी कमेंट्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अतिथि शिक्षक संघ है, लगातार प्रयासरत है, मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, अपने वेतन को लेकर, अपनी विभागीय परीक्षा को लेकर। जो भी अपडेट आएंगे आप लोगों को अवगत होना है, आपको जानकारी होना है कौन से ज़िले में क्या चल रहा है। और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी अतिथि शिक्षक जागरूक भी हैं, उनको पता भी चलता है। और क्या आप ये सोचिएगा, क्या आपको कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे चैनल के माध्यम से मिलती है तो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप खुद बताइएगा भाइयों। तो इसको लेकर ज़रूर आप एक मुझे कमेंट्स कीजिएगा, कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और वाकई में अगर अच्छी लगती है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर आप बताइएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।